मैं हूँ प्रिया एंड आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 356 के बारे में, जिसे स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था नेशनल इमरजेंसी के बारे में, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो ये चार आर्टिकल्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है आर्टिकल 352, जो कि बताता है वो तीन ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। इसके बाद है आर्टिकल 353, जो कि ये बताता है कि इमरजेंसी के दौरान सेंटर और स्टेट, इन दोनों के रिलेशंस में क्या फर्क आता है। लास्टली आर्टिकल 358 एंड 359, जो कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी पे सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगी। शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन स्टेट इमरजेंसी पर। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 355, जो कि ये कहता है कि सेंटर की ये ड्यूटी है कि वो स्टेट को तीन चीज़ों से बचाए। सबसे पहले एक्सटर्नल अग्रेशन से, दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस से, और तीसरा सेंटर को ये इंश्योर करना है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को रिस्पेक्ट करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चले। तो सेंटर को, स्टेट को इन तीन चीज़ों से बचाना होता है। तो आर्टिकल 355 सेंटर पर स्टेट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी इम्पोज करता है। तो ये तो हो गई ड्यूटी की बात। अब इस ड्यूटी को फुलफिल करने की बात की गई है आर्टिकल 356 में, जो कि ये कहता है कि अगर किसी भी स्टेट का गवर्नर एक रिपोर्ट के थ्रू प्रेसिडेंट को ये कन्वे करे कि उनके हिसाब से उनका जो स्टेट है वो अच्छे से गवर्न नहीं हो पा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रेसिडेंट किसी और तरीके से सैटिस्फाइड है कि इस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर लेंगे। अब स्टेट के रिस्पेक्ट में 356 के अलावा प्रेसिडेंट को पावर मिला है 365 के अंदर। आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन नहीं कर रहा है, और वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो वो क्या तीन तरीके हैं जिसके वजह से इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है? पहला, ये तो गवर्नर खुद एक रिपोर्ट भेजे प्रेसिडेंट को, या फिर प्रेसिडेंट किसी और रीजन से खुद ही सैटिस्फाई हो जाए कि स्टेट ठीक से नहीं चल रहा हो, या फिर स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो ना करे। चलिए इन आर्टिकल्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, तो पूरी कंट्री में अनरेस्ट छा गया था, हजारों लोगों की जानें गई थी, जिसकी वजह से 15 दिसंबर 1992 को प्रेसिडेंट ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया और मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। प्रेसिडेंट ने उस वक्त ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सारे स्टेट्स हैं ये सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहे हैं, और सेक्युलरिज्म हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कुछ साल बाद जब कर्नाटका में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया, तो आर्टिकल 356 की वैलिडिटी को लेके फेमस केस एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हम किसी और कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है जिस ग्राउंड्स पे वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रोक्लेम कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मानिए कि कर्नाटका के गवर्नर ने प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेजी कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट से सेटिस्फाई होकर 1 फरवरी 2019 को कर्नाटका में स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर लेते हैं। अब प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी है इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसे हम पार्ट पार्ट में समझते हैं। सबसे पहले, जिस दिन से प्रेसिडेंट इमरजेंसी इशू करते हैं उस दिन से 2 महीने के लिए इमरजेंसी वैलिड रहेगी, मतलब 1 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक। पर जिस दिन उन्होंने इमरजेंसी इशू की है उसी दिन वो पार्लियामेंट के पास पहुंच जाएगी उनके अप्रूवल के लिए। अब अप्रूवल सिस्टम क्या है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप का 50%। अब अगर पार्लियामेंट इस इमरजेंसी को अप्रूव कर देती है,
तो वो वैलिड हो जाती है 6 महीने के लिए, 1 फरवरी डेट ऑफ इशू से 6 महीने के लिए, 1 अगस्त 2019 तक। पर अगर पार्लियामेंट इस इमरजेंसी को अप्रूव नहीं करती है तो वो 2 महीने के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब डेट ऑफ इशू से 2 महीने तक इमरजेंसी वैलिड रहेगी, पर अप्रैल के बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये अप्रूव कर देते हैं तो ये अगस्त तक चलेगी। स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल के लिए एग्जिस्ट कर सकती है, पर हर 6 महीने में फिर से आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसे हम और सिंपली समझते हैं, बस इन 3 डेट स्टैम्प्स पे ध्यान दीजिए। तो प्रेसिडेंट के इमरजेंसी इशू करते साथ बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल लिए वो कितने दिन के लिए वैलिड होती है? 2 महीने के लिए, 1 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक। अब जिस दिन इमरजेंसी इशू हुई उसी दिन वो पहुंच जाती है पार्लियामेंट के पास अप्रूवल के लिए। अगर पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर देती है तो वो डेट ऑफ इशू से 6 महीने के लिए वैलिड हो जाती है, मतलब 1 फरवरी से लेके 1 अगस्त तक। और अगर पार्लियामेंट इसे अप्रूव नहीं करती है तो वो 2 महीने के बाद ही ख़त्म हो जाती है, 2 महीने से पहले नहीं। अब इमरजेंसी को लागू हुए हो गए 6 महीने, अब 6 महीनों के बाद भी प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ अभी भी स्टेट की स्थिति ठीक नहीं है, तो वो फिर से जाएंगे पार्लियामेंट के पास अप्रूवल के लिए। और अगर पार्लियामेंट इस बार भी हाँ बोल देती है तो वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाएगी, मतलब 1 अगस्त 2019 से लेके 1 फरवरी 2020। तो अब 6 महीने और 6 महीने, इस पूरे पीरियड को हो गए 1 साल। अब 1 साल के बाद भी प्रेसिडेंट को लगता है कि अब भी इमरजेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो अब वो पार्लियामेंट के पास जाके सीधा अप्रूवल नहीं ले सकते। 1 साल से ज़्यादा इमरजेंसी को एग्जिस्ट करने के लिए 2 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। सबसे पहले इंडिया में या उसके किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब आर्टिकल 352। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि इस स्टेट में कुछ डिफ़िकल्टीज के चलते लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी 1 साल से ज़्यादा के लिए स्टेट इमरजेंसी एग्जिस्ट कर सकती है, वरना नहीं। अब रेवोकेशन को भी समझ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट चाहे तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिना किसी से अप्रूवल लिए इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 358 और 359 के थ्रू सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड रहते हैं, आर्टिकल 20 और 21 के अलावा। वहीं स्टेट इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स जैसे के तैसे रहते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड्स। तो नेशनल इमरजेंसी वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन, इनके बेसिस पे अनाउंस की जाती है। वहीं स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और 365 में मेंशन जो ग्राउंड्स हैं वो है एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, या अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो ना करे या सेंटर के डायरेक्शंस को ना माने तब अनाउंस की जाती है। इसके बाद इनका अप्रूवल सिस्टम जान लेते हैं। तो दोनों ही इमरजेंसी को प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, पर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते साथ 1 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव होना होता है। वहीं स्टेट इमरजेंसी में 2 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव होना होता है। ये दोनों ही इमरजेंसी 6 महीने के लिए अप्रूव होती है और हर 6 महीने में इन्हें फिर से पार्लियामेंट से अप्रूव होना होता है। जहाँ नेशनल इमरजेंसी का कोई टाइम लिमिट नहीं है, वहीं स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल के लिए अप्रूव हो सकती है। इसके बाद इनका रिवोकेशन सिस्टम भी देख लेते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट भी रिवोक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर लोकसभा एक रिजोल्यूशन निकलवाए और ये कहे कि वो इस इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करती है तो उसी दिन उस इमरजेंसी को सस्पेंड होना होता है। वहीं स्टेट इमरजेंसी को रिवोक करने का पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है। लास्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के वक्त स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये दोनों ही सस्पेंड नहीं होते हैं। हाँ, पर इनकी सब्सटैंशियल पावर्स पार्लियामेंट के पास चली जाती है, जिसके कारण पार्लियामेंट इस पोजीशन में होती है कि वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शंस दे सके और स्टेट के बिहाफ में लॉस फॉर्मुलेट कर सके। पर स्टेट इमरजेंसी के वक्त इसका एकदम उल्टा होता है। इस वक्त स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव
दोनों ही या तो सस्पेंड हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। तो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है? वो सारी पावर्स चले जाती हैं प्रेसिडेंट के पास, जिसे वो चाहे तो आगे डेलीगेट कर सकते हैं गवर्नर को, और गवर्नर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की मदद से ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं स्टेट के लिए लॉस फॉर्मुलेट करने की ड्यूटी चली जाती है पार्लियामेंट के पास। तो उम्मीद करती हूँ कि नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी ये दोनों ही टॉपिक आपको क्लियर होंगे। अगर हाँ तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ देम। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।